क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है? ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में ये बनकर तैयार हो गया था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये धरती के अंदर उतनी ही गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था उस जमाने में किले से बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर से भी है। इसके नीचे से भी एक रास्ता है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग बदलता है। दिन के अलग अलग पहर के हिसाब सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद संगमरमर पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन इनकी नींव नहीं रखने दे रहे थे। वे बार बार इसे ध्वस्त कर रहे थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन को वहां से भागने के लिए हुमायूं की राय ली। हुमायूं ने शाहजहां को अरब में बुखारा सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवा दिया गया। तब कहीं जाकर इसका निर्माण हुआ। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वो कमरा स्तंभों से बना एक बड़ा हॉल था और वो स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों से भरे पड़े थे, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने हिंदू मूल को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहां के स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। आज भी किसी को नहीं पता कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 22 कमरों को इसलिए बंद रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई के चलते भविष्य में कोई दंगे न हो। सबसे मजेदार बात तो ये कि कुतुब मीनार नाम इमारत को, जिसको हम सबसे ऊंची इमारत मानते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी हर रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां चाहते थे मुमताज के लिए बने सफेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए काला ताजमहल बनवाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे ने कैद कर लिया तो उनके लिए ये सपना एक सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ होना बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरने के लिए किया था। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे। लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। जिस जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते हैं वहां पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था और उसकी छत पर टपकने वाला पानी शिवजी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी ये भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की ताकि वो कोई ऐसी इमारत न बना दे तो मजदूरों ने छत पर एक छेद छोड़ दिया था ताकि शाहजहां का सपना पूरा न हो सके। ताजमहल के कैंपस में लगे हुए सारे फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ताजमहल में लगा हुआ कोई भी फव्वारा पाइप से जुड़ा हुआ नहीं है। ये तो सभी जानते हैं कि मुमताज शाहजहां की पत्नी थी, लेकिन शायद ये कोई नहीं जानता कि वो उनकी तीसरी पत्नी थी। शाहजहां के 14वें संतान को जन्म देते समय उनका निधन हो गया था।
और उनकी याद में ही शाहजहां ने ताज महल बनवाया। ताजमहल को लेकर कई कहानियां सामने आ रही हैं, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे के तहखानों में कीमती खजाने हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को भी बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज और उनकी खबरें तो काफी आई, लेकिन इन्हें कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में उन्हें बंद कर दिया गया। आज भी सभी लोग सेल्फी के दीवाने हैं, लेकिन जॉर्ज हैरिसन नाम के इस व्यक्ति ने फिस आइसलैंड्स की मदद से उस समय सेल्फी ली थी जब सेल्फी का दौर नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ताजमहल पहले सही में तेजो महल ही था? इससे जुड़े कोई साक्ष्य आपके पास हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको आगे से आगे शेयर जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।